दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आपका स्वागत है निकल दो चैनल में। आज के इस वाले वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो आज हम ऐसे मूवी के ट्रेलर का रिव्यू करने वाले हैं जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता। तो आज हम बात करने वाले हैं महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म सरकारू वारी पट्टा। सरकारू वारी पट्टा मूवी का ट्रेलर काफी वक्त पहले आ चुका है, लेकिन आज हम रिव्यू करने वाले इस मूवी के ट्रेलर का, क्योंकि ये मूवी आने वाली है 12 मई 2022 को। इसलिए हमने सोचा कि आपको इस मूवी के बारे में बताया। वैसे तो इस मूवी को 13 जनवरी को रिलीज करने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया। और इसके पीछे एक बड़ा कारण था जो कि RRR 7 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, और महेश बाबू नहीं चाहते थे कि ये दोनों मूवी एक साथ क्लैश हो, क्योंकि ये दोनों मूवी तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से थी। और इसलिए महेश बाबू ने समझदारी दिखाते हुए अपनी मूवी को पोस्टपोन कर लिया। लेकिन बाद में RRR भी पोस्टपोन हो गई और RRR 25 मार्च को रिलीज हो गई। और इसके ऊपर SS राजामौली सर ने महेश बाबू को थैंक यू भी बोला। ट्रेलर के शुरुआत में हम देखते हैं कि महेश बाबू की क्या स्वैग के साथ एंट्री होती है। और भाई जिसने भी इस मूवी के ट्रेलर को काटा है यानी कि एडिट किया है, उसने भाई अच्छा काम किया है, यानी कि जरा सी भी मूवी की स्टोरी को रिवील नहीं किया। यानी भाई मूवी की स्टोरी आपको मूवी आने के बाद ही पता चलने वाली है। महेश बाबू के डैशिंग लुक के साथ साथ महेश बाबू ने जो एक्शन किया है वो भी एकदम तगड़ा है। मूवी के ट्रेलर में एक सीन दिखाया गया है जिसमें महेश बाबू आरती ले रहे हैं, और जो आरती लेने का उनका स्टाइल है वो बहुत ज्यादा निराला है। इसे देखकर आपको मजा भी आएगा और हंसी भी आएगी। यानी कि ये मूवी होने वाली है एक्शन कॉमेडी। महेश बाबू के साथ कीर्ति सुरेश ने भी अपने सिंपल लुक के साथ इस मूवी के ट्रेलर में 4 चांद लगा दिए। आपको तो पता है कि साउथ मूवी की BGM तगड़ी होती है, तो वैसे ही इस मूवी की BGM भी तगड़ी होने वाली है। लेकिन भाई इस मूवी का सॉन्ग भी बहुत तगड़ा है। सॉन्ग का नाम है कलावती, आपने शायद सुना होगा, लेकिन आपने नहीं सुना तो जल्दी से जाओ YouTube पे सर्च करो और सुन। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है परशुराम ने। मूवी के ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मूवी ज्यादातर आउट ऑफ कंट्री में शूट हुई है। इस मूवी के काफी सारी बात अच्छी है, लेकिन एक बात बुरी भी है जो कि है कि इनके जो क्रिएटर्स है वो इस मूवी को सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज करने वाले, ना कि हिंदी लैंग्वेज में। लेकिन इस मूवी के क्रिएटर ने चाहा तो ये मूवी शायद हिंदी में आ सकती है। तो आज के इस वाले वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, ज्यादा अच्छी लगे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।